छात्रों के धरने प्रदर्शन का यह वीडियो लखनऊ का है। यहाँ पर देखिए लगातार 4 से 5 दिन सीटेट परीक्षा को रद्द हो या फिर सबको कॉमन नंबर मिले, इन सब की मांग लगातार छात्र सोशल मीडिया पर कर रहे थे। पर जब सरकार ने CBSE बोर्ड ने उनकी नहीं सुनी तो छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। बाद में लाठीचार्ज करके इन्हीं छात्रों को दोषी माना जाएगा। आपकी क्या राय है? जब सरकार खुद जानती है, सभी मीडिया जानता है, सभी न्यूज़ संचालक भी यही बता रहे हैं, सभी छात्र अधिकांश 80 से 90% छात्र इससे प्रभावित हुए हैं, फिर भी CBSE बोर्ड या तो पेपर रद्द क्यों नहीं कर रहा है या फिर सबको कॉमन नंबर क्यों दे रहा है? क्या वे स्वयं ही माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि भैया आप जितना मन के पेपर लीक करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है? बताइए, CBSE बोर्ड जो कि सेंट्रल का है, राज्य का वो भी नहीं, सेंट्रल का, और इतना छोटा कानून। कल आपको पता है 26 जनवरी है और आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है, छात्र मजबूर हुए हैं, कल इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया जाएगा और इनको दोषी भी माना जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हम सब की मांग लगातार यही बढ़ती जा रही है कि सबको कॉमन नंबर अंक दिए जाएँ, जिससे माफियाँ हों चाहे ना हो, सबको नंबर व कम ही मिले, ठीक है, या फिर कुछ नहीं तो पेपर रद्द करके आप दोबारा पेपर कराइए, वो भी ऑनलाइन मोड में, नहीं तो ऐसे ही पेपर वायरल होता रहेगा और हमारी मुख्य परीक्षा में ये लोग शामिल होकर फिर से मेरिट बढ़ा देंगे। और यहाँ पर लखनऊ में लगातार तेजी से धरना प्रदर्शन है और सभी छात्रों से निवेदन है कि कृपया अब धरना प्रदर्शन आज के लिए बंद कर दें। कल 26 जनवरी है तो असुरक्षा की भावना वहाँ पर हो सकती है, उसके बाद हम सभी छात्र मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इस परीक्षा को रद्द करवाएंगे। सीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए या फिर सभी को कॉमन नंबर मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है, ये छात्र सही कर रहे हैं या नहीं, या फिर जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाएंगे और सीएल जिससे CBSE की नज़र उस पर पड़े और वो कुछ ना कुछ करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।